दोस्तों आज मैं आपको ट्रेन में आरएसी सीट वाली लड़की की एक ऐसी कहानी बताता हूँ जो आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आरएसी सीट पर बैठा लड़के ने लड़की के साथ किया ऐसा काम जिसे कि लड़की चाहकर भी नहीं भूल सकती। दोस्तों यह कहानी शुरू होती है दिल्ली जाने वाली ट्रेन में। लड़का पहले से ही साइड लोअर सीट पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद उस ट्रेन में एक लड़की अपने प्यारे से सूटकेस लेकर चढ़ती है और उसी सीट पर पहुंचती है। लड़की अपने सूटकेस को सीट के नीचे लगाती है, फिर लड़के को बोलती है आप यहाँ से हटो, ये मेरा सीट है। अब लड़के ने बोला कि अब मेरा सीट है, आप गलत सीट पर आ गए हो। अब दोनों में ऐसी हल्की फुल्की बहस होती रही, उतने में टीटी आ गया। फिर लड़की ने टीटी को सारी बात बताई, फिर लड़के ने टीटी से जो कहा उसे सुनकर टीटी के भी होश उड़ गए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और ट्रेन में ऐसे हो रहे लव स्टोरी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर टीटी ने लड़के से टिकट मांगा, फिर टीटी ने लड़की से टिकट मांगा, इन दोनों को एक ही सीट कैसे मिल सकता। फिर टीटी ने जब अपनी लिस्ट में देखा तो मालूम चला कि यह दोनों आरएसी सीट है, आप दोनों को इसी सीट पर जाना होगा। यह बातें सुनकर लड़का मनी मन खूब खुश हुआ। लड़की गुस्से में उसी सीट पर बैठ गई। अब दोनों को सीट वाला मामला सुलझ गया और इनका प्यार शुरू होने लगा। दोनों अपने सीट पर आराम से बैठकर जा रहे थे। फिर लड़की ने बैग से खाना निकाला और खाने लगी। फिर लड़की बहुत प्यार से पूछती है कि खाना खाओगे, फिर लड़का बिना सोचे समझे हाँ कर देता और दोनों आराम से खाना खाते हुए एंजॉय करते हुए जाने लगते। फिर धीरे धीरे एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते। अब लड़का जैसे वॉशरूम की तरह जाता, आने में कुछ देर हो जाती है, तब तक लड़की आराम से उस सीट पर सो जाती है। लड़का उस लड़की का ख्याल रखते हुए सही से सुला रहा होता, तब तक लड़की ने लड़के के हाथ पकड़कर करवट लेती है और उसके बाद लड़के के फेस पर आ जाता। फिर लड़के के मन में अजीब सी फीलिंग आई। अब लड़का वहां से तुरंत गेट पर जाकर खड़ा हो जाता और गेट पर खड़े होकर ही अपने सफर करने लगता। कुछ समय सोने के बाद लड़की की नींद खुली तो देखी कि लड़का नहीं है। फिर लड़की ने सोचा कि शायद लड़का ट्रेन से उतर गया है। फिर जैसे सुबह ट्रेन नई दिल्ली पहुंची, लड़की ट्रेन से उतरी और लड़का भी ट्रेन से उतरा और उतरने के समय काफी भीड़ हो गई, लेकिन लड़की ने लड़के को एक झलक देखा और आवाज लगाई, तब तक लड़का भीड़ की वजह से कहीं गुम हो गया और चला गया। अब लड़की अपने घर जाने के लिए कैब बुक किया और रास्ते पर लड़के के बारे में सोचती हुई गई कि मैं लड़के को गलत समझ रही थी। फिर भी लड़का अपने सीट देकर पता नहीं पूरी रात कहां पर बिताया, ऐसे ही सोचते हुए घर पहुंच गई। लेकिन लड़की ने बताया कि जब भी ट्रेन में सफर करती हूं उस लड़के को जरूर ढूंढती है कि शायद फिर से मिल जाए, लेकिन अभी तक मिला नहीं है, लेकिन दिल में हमेशा मिलने की एक आस बनी रहती है। क्या आपके भी जिंदगी में कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि ना किसी के जान पहचान के बिना भी वो लड़का और लड़की आपके दिल में हमेशा के लिए कहानी बनकर रह गए हो? तो कमेंट में यस या नो लिखकर जरूर बताना और अपनी यूनिक स्टोरी को भी लोगों के साथ कमेंट में लिखकर जरूर शेयर करना।